वट आर द इंटीजर्स, इंटीजर्स की होंगे, वट इज़ द यूज़ ऑफ द इंटीजर इन द मैथमैटिक्स। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों के माइंड के भी, इंटीजर होंगे की ने, पॉजिटिव नैगेटिव इंटीजर की होंगे, होल नंबर की होंगे, रियल नंबर की होंगे, इन सारे का सोल्यूशन जरा इस वीडियो के देखने को मिलेगा। मैं सुरेंद्र कुमार, अज असी जी क्लास सैवनथ फस्ट चैप्टर के बारे डिस्कस करा जिंदा नाम है इंटीजर। दैन ये असं डिस्कस करा भी किस इंटीजर का मतलब की होंगे वा, हाउ टू यूज़ इन द इंटीजर इन द मैथमैटिक्स, इन द मैथमैटिक्स देयर वैल्यूज़ आर यूज, सो मैनी थिंग्स आर वी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। इन दिस सैशन वी हैव डिस्कसिंग ओनली टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर फर्स्ट 1.1 and we are discussing only 5 question answers. So this video will be a regulatory in the basis, so you will be getting more updations, so you subscribe my channel, just do it on for bright future. Now we are starting from this session. Session shuru karan to pehla, sab to pehla jehdi important cheez aa, we sanu numbers de bare pata hona chahida. What do you mean by numbers and what are the natural numbers, what are the whole numbers? So us cheez nu assi clarify kar rahe ha. Dekho ji, first hunda va natural number. Natural numbers jehde hunde ha, oh start hunde ha, किन्ने तो स्टार्ट होंगे साढ़े लिए, वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अबव जीरो, जीरो तो अबव, बट वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होने चाहिए ने, है ना। वो सबनों पता ही होएगा हुण पॉजिटिव वैल्यूज़ कि होंगे ने जिहड़ियां माइनस के नाल नहीं डोनेट कीतियां जांदियां। तो नैचुरल नंबरस आर दोज नंबरस विच हैज़ बीन कम्स फ्रॉम टू दियर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऑल आर दियर नैचुरल नंबरस। वैन दियर होल नंबर, होल नंबर की होगी, वो नैचुरल नंबर नूं इनकलूड करके जिहड़े नंबरस बनते हैं उन्होंने होल नंबरस कहा जाता। इहदे विच एक वैल्यू अनदर ऐड की जाती है जीरो, यानी कि जीरो तो स्टार्ट होंदी है, जीरो तो लैके 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, जिन्नियां भी वीडियोज़ होणगियां जां जिन्नियां भी वैल्यूज़ होणगियां वो सारे होल नंबरस दे विच आउंदे आ। आई थिंक तुहानूं इह चीज़ का फंडा क्लीयर होया होणा। नैक्सट देखो, इंटीजर, इंटीजर किहड़े वैल्यूज़ होंदियां ने जिहड़ियां कि नैगेटिव भी चलदियां ने, पॉजिटिव भी चलदियां ने, जीरो भी इनकलूड होंदी है, यानी कि असीं इहनूं की कह सकते हैं वी नैचुरल नंबरस प्लस होल नंबरस प्लस इंटीजर। इन दोहां दा सम जिहड़ा हुंदा वा उहनूं असीं इंटीजर कह दिंदे आ, ठीक है, जिहनूं मैं जैड नाल डोनेट कीता सीगा। तां इंटीजर नंबरस हुंदे आ जिहड़े कि नैगेटिव, पॉजिटिव ते जीरो, ये सारे वैल्यूज़ नूं जिहड़ा कंसीडर कीता जांदा वा। उस तों बाद हुण देखो, इंटीजर दो तरह दे हुंदे आ, पॉजिटिव भी हुंदे आ, नैगेटिव भी हुंदे आ। पॉजिटिव इंटीजर किहड़े, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी, यानी कि जीरो तो अब एंड जीरो तो बिलो नैगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4 ये सारे की ने, नैगेटिव जिहड़े नंबरस ने वो इंटीजर होंगे, यानी कि इंटीजर दो तरह के होंगे, पॉजिटिव एंड नैगेटिव, दो जी चीज़ा हो सकती हैं, ईवन जीरो भी इंटीजर हो सकता वा। नैक्सट देखो की आ, देखो थर्मामीटर, आ यू नो दैट भी जो थर्मामीटर होंगे वा वो जिहड़े डिग्रीज़ होंगे ने वो पॉजिटिव भी हो सकती ने, नैगेटिव माइनस से भी जा सकते हैं। माइनस का मतलब की होंगे, वो की होंगे जो तो वह फ्रीजन फॉर्म के होंगे, यानी कि कूल डाउन होकर वो की होंगे सॉलिड फॉर्म के हो जाएंगे। जीरो के उत्ते मेल्टिंग पॉइंट आ, जिमें जिमें इनक्रीज़ करी जाऊगा तो वो गैस फॉर्म के कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करके जो थर्मामीटर आ वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटीजर की, जिद्द नैगेटिव, पॉजिटिव तो जीरो, ये सारिया वैल्यूज़ आ सकती ने। आ दिखाया गया भी होल नंबरस जोड़े होंगे व्डे होंगे नैचुरल नंबरस तो, उस तो बाद जो उस बड़े होंगे उन्होंने इंटीजर कहा जाता वा। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फस्ट एक्सरसाइज 1.1। आई होप भी तुम जो कॉन्सैप्ट अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। हूँ असी देखो फस्ट जो क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये भी तुहाडे लई की आ, थर्मामीटर यानी कि टैंपरेचर के बारे दस्या गया, वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसिज आ, जिमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, उड़ी तो बैंगलोर, ये डिफरेंट डिफरेंट दसे गए हैं। तो तुहानू इत्थे उन्हां दी जिहड़ी डिग्रीज़ ने वो दसिया गई ने। देखो श्रीनगर के जोड़ा वा जीरो डिग्री, यानी कि माइनस के टैंपरेचर चल रहा वा, दसया गया श्रीनगर का किन्ना होएगा, लोपती का किन्ना होएगा, शिमला का किन्ना होएगा, कुड़ी का किन्ना होएगा, तो बैंगलोर का किन्ना होएगा। हुण देखो सानू की कहा गया, ऑब्जर्व दिस लाइन एंड दी आर राइट दी आर टैंपरेचर ऑफ दी आर प्लेस मार्क्ड ऑन इट, भी जिहड़ी इन उत्ते प्लेस बनाई गई ने एरोस के नाल, तो तुसीं उन्हां दा दसना वा भी इहदा टैंपरेचर किन्ना होएगा। दैन सैकेंड है, वट आर दी टैंपरेचर डिफरेंस बिटवीन टू दी हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस अमंगस ऑफ दी अबव, हुण इहदे विच जिहड़ा सब तो ज़्यादा हॉटेस्ट, हुण सब तो हॉटेस्ट जिहड़ा होएगा जिहदी सब तो ज़्यादा डिग्री होएगी पॉजिटिव दे विच, उह सब तो हॉटेस्ट होएगा, तो सब तो कोल्डेस्ट किहड़ा होएगा जिहदी सब तो ज़्यादा नैगेटिव दे विच वैल्यूज़ होएगी, तो सब तो कोल्डेस्ट होएगा, तो उहदे विच असीं डिफरेंस दसना भी किन्ना होएगा। दैन उस तो बाद है टैंपरेचर डिफरेंस ऑफ टू दी लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, इन्हां दे विच दसना भी श्रीनगर ते इन्हां दे विच किन्ना डिफरेंस हो रहा वा टैंपरेचर का। दैन वी कैन से दैट द टैंपरेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेक्स टूगैदर इज़ लैस दैन टू दी टैंपरेचर एट शिमला, तो असं यह दसना वा भी कि टैंपरेचर ये इक्वल आएगा। असी फोर चीज़ों का जोड़ा वा आंसर वो करना वा विद द हैल्प ऑफ दीज टैंपरेचर डायग्राम। स्टार्ट कर रहे, देखो फस्ट हैगी
लुसपीती वो दस्या गया भी वो टैंपरेचर कि वा माइनस 8 डिग्री आ देखोगे आ 5 दैन 6 आ 7 दैन आ जिद एरो बनाया गया कि होएगा 8 तो माइनस साइड ने ता करके इतने क्या है माइनस 8 श्रीनगर माइनस 2 वह भी देख सकते हो 0 तो बाद 1 2 2 के उत्ते जाने कि माइनस 2 होएगा। उस तो बाद शिमला पॉजिटिव 5 जाने कि 5 डिग्री सैलसीयस 0 तो वाबा तो 5 के उत्ते आ दैन उस तो बाद साढ़े को जोड़ा है उत्तरी 14 इस तरीके बैंगलोर ये सारे का जोड़ा टैंपरेचर आ विद दी हैल्प ऑफ असी जी डायग्राम उन्होंने देख सकते हैं। नैक्सट देखो क्वेश्चन की सी असी टैंपरेचर दसना सी हॉटेस्ट प्लेस जी बैंगलोर आ मैं तुम्हें दसिया जी पॉजिटिव वैल्यू होएगी सब तो हॉटेस्ट होएगी देखो पॉजिटिव वैल्यू बैंगलोर की 22 आ दैन साढ़े को जो सब तो घट जी दिख रही होएगी देखो माइनस 8 की वैल्यू आ ठीक है जी तो हम असी इनू किमें डोनेट करा वो देखते हैं देखो इन किमें सॉल्व करना वा। फस्ट ऑफ ऑल हॉटेस्ट जो टैंपरेचर आ 22 आ वह कहता भी ये दसना माइनस करके भी वैल्यू किन्नी घट होएगी माइनस साइन आएगा तो जोड़ा साडा कोल्डेस्ट टैंपरेचर आ माइनस के तो माइनस 8 इदा आएगा। हूँ माइनस माइनस ये मैथमैटिक्स रूल आ भी जेकर माइनस माइनस दो हूँ तो प्लस की वैल्यू बन जाती है तो कि आएगा 22 प्लस 8 कि टैंपरेचर का डिफरेंस आ 30 तो एग्जैक्ट आंसर साडा आ गया 30। आई होप तुहानू क्लीयर हो गया होना दैन आ दस्या गया भी टैंपरेचर डिफरेंस बिटवीन टू द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज 30 डिग्री सैलसीयस ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो की है वो सानू आस किया गया सीगा क्वेश्चन तुम्हें दसना वा वट इज़ दिया टैंपरेचर डिफरेंस बिटवीन टू दी लुसपीती एंड श्रीनगर श्रीनगर तो उन्होंने असं दसना सी डिफरेंस किन्ना होएगा। हुण फस्ट ऑफ ऑल पहला सानू ये देखना पड़ेगा भी श्रीनगर का जो टैंपरेचर आ माइनस 2 आ दैन जी नैक्सट वैल्यू दी गई है वह कि माइनस 8 की आई होप तुम ये देखिया होना तो मैं इतने भी दिखाता तो हूँ चलते हैं समकनी देखो जी जोड़ा श्रीनगर का टैंपरेचर माइनस ठीक है जी सॉरी 80 ऑप्शन आ गई आ वाली सी हाँ जी सी का सीगा देखो माइनस 8 है ठीक है जी दैन माइनस 2 है श्रीनगर तो माइनस 2 उम्मीद रखा माइनस माइनस 8 जो वैल्यू के नाल आएगा माइनस माइनस फिर उस तरीके प्लस की वैल्यू बन जाएगी माइनस 2 प्लस 8 हूँ सबनों याद ही होएगा अभी लोअर क्लासिस तो सीख्या वा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस तो फिर माइनस होएगा साइन कि आएगा जी वैल्यू बड़ी होएगी यानी कि 8 की वैल्यू बड़ी है तो आंसर कितना आएगा 6 डिग्री तो 6 डिग्री सैलसीयस जोड़ा वा उन्होंने टैंपरेचर का डिफरेंस है। आई थॉट तुम्हें यह क्लीयर हो गया होना। नैक्सट देखो की है टैंपरेचर ऑफ श्रीनगर हूँ असी देखना वा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ने की क्या सानू क्वेश्चन कह रहा वी कैन से दैट द टैंपरेचर ऑफ श्रीनगर श्रीनगर का टैंपरेचर माइनस 2 तो शिमला का जोड़ा टैंपरेचर आ टेकन टूगैदर हूँ असी शिमला का वा 5 टेकन टूगैदर लैस दैन टू दी टैंपरेचर एट आ शिमला जोड़ा शिमला तो दसना वा भी वह कि टैंपरेचर लैस होगा इज़ इट ऑलसो लैस दैन टू दी टैंपरेचर ऑफ श्रीनगर भी श्रीनगर के भी जोड़ा टैंपरेचर आ वह तो भी कि घट होएगा वह तुम्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करना वा तो हम एक्सप्लेन करते हैं देखो जी हूँ मैनू पता वा भी जोड़ा श्रीनगर का टैंपरेचर आ माइनस 2 आ हूँ ही असी देखा वा तो शिमला का 5 डिग्री सैलसीयस आसान कहना भी इन्ह दोहों टुगैदर करो टुगैदर का मतलब प्लस करना होएगा माइनस 2 प्लस 5 5 ही रहेगा 5 प्लस की डिग्री सी प्लस माइनस हूँ ही आपका माइनस होएगा साइन आएगा प्लस का कि आया 3 ठीक है जी हूँ उन्हें सब तो यह पूछा कि भी जोड़ा टैंपरेचर ऑफ शिमला वा तो उन्होंने दोहों का टैंपरेचर आ कि शिमला का टैंपरेचर तो घट्ट या वाधा दसना वा हूँ सानू दिख रहा भी उन्होंने दोहों का टैंपरेचर 3 डिग्री सैलसीयस आ बट जो शिमला का वा वो 5 डिग्री सैलसीयस है इसका मतलब की है भी शिमला का जो टैंपरेचर आ वो तो वाधा ठीक है जी तो यस दी टैंपरेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला दी टूगैदर इज़ लैस दैन टू दी टैंपरेचर ऑफ शिमला भी शिमला का जो टैंपरेचर से 5 तो वो घट सी। उस तो बाद उन्हें सब तो पूछा कि भी जो शिमला तो श्रीनगर का जो टैंपरेचर असं कट्ठा कर दें यानी कि उन्होंने टूगैदर कर दें तो कि श्रीनगर के टैंपरेचर तो लैस नॉट लैस दैन ये दसना वा भी लैस दैन सी कि नहीं सी हुण देखते हैं देखो जिहड़ा साडा टुगैदर आया सी वो 3 डिग्री सैलसीयस सीगा बट जिहड़ा साडा श्रीनगर का टैंपरेचर सी वो माइनस 2 सी हुण सबनू पता भी जिहदी पॉजिटिव वैल्यू हुंदी आ वो वड्डी हुंदी आ तां इहदे विच 3 पॉजिटिव वैल्यू आ माइनस 2 नैगेटिव वैल्यू आ तां इस तों वध जिहड़ी वैल्यू किहड़ी आ वो 3 आ 3 सैलसीयस ए याद रखना भी जेकर तुहानू कोई एक वैल्यू पॉजिटिव इहदे विच आ जावे देखो हुण एक दित्ता होवे प्लस दा 1
एक तुहानू वैल्यू दी है -8। ठीक है, तुहाडे तो पूछा जाए भी हाईएसट वैल्यू कि जाए तो वड्डी वैल्यू कि तो याद रखो 8 नुमैरल वैल्यूज जी ज़्यादा वा, बट वो मूहे की आ माइनस का साइन पिया होता करके नैगेटिव वैल्यू जी होंगे ने हमेशा लैस दैन होंगे ने पॉजिटिव वैल्यू तो इसका मतलब की है 1 बड़ा होएगा -8 तो यह याद रखना। बट इस केस के 3 डिग्री सैलसीयस जो टुगैदर टैंपरेचर से ज़्यादा सगा श्रीनगर के टैंपरेचर तो यानी कि -2 डिग्री तो यह आंसर तू लिखा हुआ। देखते हैं सैकेंड क्वेश्चन इन अ क्विज़, एक क्विज़ चल रहा वा पॉजिटिव मार्क्स ऑफ टू दी गिवन टू दी करैक्ट आंसर भी जोड़ा बच्चा सही आंसर देगा उन्होंने करैक्ट मार्क्स देना पूरे मार्क्स दिए जाएंगे तो नैगेटिव जोड़ा मार्क्स गिवन टू दी इनकोरैक्ट मार्क्स जोड़ा इनकोरैक्ट आंसर दो नैगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे। जैक जोड़ा वा उन्हें स्कोर किए 5 राउंड्स के 25 -5 -10 15 एंड 10 एट द एंड असी यह दसना भी उन्हें टोटल मार्क्स किन्ने गेन किए। हूँ सानू पता भी टोटल मार्क्स करना इसका मतलब सम होएगा 25 दे विच्चों फिर ये वैल्यू की आ माइनस की आ ये मूहे माइनस आ जाएगा -10 का माइनस आ जाएगा +15 दैन +10। ठीक है तो यह किया जाएगा। एक गल हमेशा याद रखने जो ये असी वर्क करते हैं तो उहदे विच सानू असी बोडोमॉस का रूल फॉलो करते हैं तुहानू सारे नू पता ही होएगा बोडोमॉस। ठीक है तुसीं काफ़ी हद तक जानते होंगे ब्रैकेट सॉल्व होंदी आ ऑफ सॉल्व होंदी आ डिवाइड दैन मल्टीफिकेशन फिर एड एंड सबस्ट्रैक्शन ये चीज़ा चलदिया होंदिया ने। ठीक है ये तुहानू वैसे नीचे आ देखो वैल्यूज बनाईया ने। ठीक है तो हुण देखो ये की है 25 ये प्लस का वा पहला प्लस प्लस कर लो जेकर आंसर कटना होवे देखो ये 25 आ गया। ठीक है साइन आएगा प्लस का क्योंकि वड्डा प्लस आ 15 उस तो बाद देखो तुहाडे कोल की आ 25 माइनस माइनस की होएगा माइनस माइनस प्लस हुंदा वा तुहानू पता ही होएगा साइन आएगा माइनस का जिहड़ा वड्डा होएगा जिहड़ी वैल्यू आ 10 माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 15 पर साइन किहदा आएगा माइनस का तो हुणी असी आपां कीता सीगा 15 प्लस 10 किन्ना आया सी 25 आया सी। चाहे तो हुण इहनू इहदे विचों माइनस करके फिर जिन्नी वैल्यू आएगी उहनू ऐड कर लो असी उही करदे हां। देखो हुण 25 प्लस की वैल्यू आ 15 माइनस की आ प्लस माइनस माइनस बट साइन इज ग्रेटर वैल्यू भी जी ग्रेटर वैल्यू होएगी वह साइन आएगा यानी कि 25 का साइन आएगा कि आएगा प्लस माइनस माइनस 25 के 15 लैस किए तो 10 बच गया प्लस का 10 प्लस 25 प्लस 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 ही होंगे तो साइन आएगा प्लस का तो 20 के 10 प्लस किए तो तुम्हें पता ही है तो आंसर कि आ जाएगा 35 ये आंसर इस तरीके सॉल्व कर। चलो हम थर्ड क्वेश्चन वाल चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की होएगा देखो ये टैंपरेचर उत्ते बेस्ड आता सोचना वा पॉजिटिव नैगेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है हम देखो की कहना एक श्रीनगर टैंपरेचर वॉज -5 डिग्री सैलसीयस -5 डिग्री सैलसीयस के पहले ही है मंडे दैन इट्स ड्रॉप बाय 2 सैलसीयस ऑन ट्यूजडे हूँ 2 सेंटीमीटर होर घट गया इसका मतलब की है असी जो टैंपरेचर होएगा वो -2 होर करना वा दैन उस तो बाद वट वॉज द टैंपरेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे ट्यूजडे टैंपरेचर की होएगा ऑन वैडनसडे इट रॉज 4 डिग्री जाने कि हूँ की है 4 डिग्री होर बढ़ गया इसका मतलब की है जिन्ना टैंपरेचर होएगा ट्यूजडे वो 4 असी ऐड कर देंगे दैन फिर असी वो भी टैंपरेचर दसना भी वैडनसडे कि होएगा। हम सूँ पता भी साड़ा जो मंडे टैंपरेचर से -5 से दैन उस तो बाद भी ट्यूजडे वो की होया इनक्रीज़ हो गया तो ट्यूजडे टैंपरेचर का असी की करा प्लस कर देंगे सॉरी ड्रॉप आउट हो गया ड्रॉप का मतलब घट गया जाने कि 2 माइनस होर कर देंगे माइनस माइनस की हुंदा वा प्लस हुणी असी पढ़िया वा तो साइन किहदा आएगा वड्डी वैल्यू का 5 का तो 5 to 7 तो की आंसर आया -7 डिग्री सैलसीयस तो फस्ट का आंसर आ गया साडा ट्यूजडे का। हुण ट्यूजडे तो बाद वैडनसडे जो टैंपरेचर इनक्रीज़ कर गया तो वैडनसडे असी किदा कढ़ांगे सानू पता भी साडे ट्यूजडे का जिहड़ा टैंपरेचर से -7 से हुण जिहड़ा साडा वैडनसडे आ इनक्रीज़ हो चुक्या वा टैंपरेचर तो असीं उहनूं की करांगे +4 की वैल्यू ऐड करांगे तो देखते हैं हुण की बनता हुण प्लस माइनस माइनस साइन किहदा आएगा ग्रेटर वैल्यू का तो किन्ना आया -3 तो इहदा आंसर होएगा -3 ऑन वैडनसडे। आई थॉट आंसर सारे बच्चों का आ गया होगा तो देखो असी आंसर कढ लेने -3 डिग्री सैलसीयस। ठीक है अगला क्वेश्चन है साडे कोल दी अ प्लेन आई थॉट इन्ना का क्लीयर हो चुक्या होएगा अ प्लेन इज़ फ्लाइंग ऑन टू दी हाइट ऑफ टू दी 5 मीटर अबव ऑन दी सी हूँ एक सी तो ना आ देखो एक सी आ समुद्र आ समुद्र तो एक जड़ा जहाज आ किन्ने सेंटीमीटर उत्ते चल रहा 50,000 मीटर अबव चल रहा वा सी लैवल तो एट अ पॉइंट
इट वॉज एग्जैक्टली अबव टू दी सबमरीन फ्लोटिंग इन टू दी 1200 मीटर बिलो। भी जदों एग्जैक्ट एक टाइम आया जदों की आ जड़ा एक प्लेन एंड सबमरीन दो ही एक सेम वैल्यू दे जाने की कंडीशन दे विच आ चुके ने। जिहड़ी सबमरीन आ उह समुंदर दे अंदर 1200 मीटर आ, ठीक है, जाने की सी लैवल दे उत्तों जे असीं देखिए भी सी दे अंदर वह 1200 आ ते सी तो उपर जिहड़ा प्लेन आ वह 5000 आ, ठीक है। उस तो बाद फिर वह कह रहे आ वट आर दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। हुण असीं ये दसना भी साडा जिहड़ा इतों तक सबमरीन तो लैके प्लेन तक का डिस्टेंस किन्ना होएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो हुण इहदे विच बच्चे मैनू कमेंट करके दस्यो भी इहदा आंसर की होएगा। वीडियो पाउज करना, पहले मैं दसना भी की जिहड़ा मेरा प्लेन की हाइट आ जां प्लेन जिहड़ा वब चल रहा वा सी तो जिहड़ा सबमरीन आ उहदी समुंदर दे विच जिहड़ी डूंघाई आ उह 1200 आ, कि असी इस सम दे विच की करांगे 5000 ते 12000 नूं 1200 नूं की करांगे, प्लस या माइनस। वीडियो पाउज करके आंसर करना भाई, ठीक है। चलो हुण तुसीं देखो, मैनूं पता भी मेरी हाइट ऑफ प्लेन जिहड़ी आ 5000 मीटर आ अबव टू द सी, सी तो 5000 आ। दैन उस तो बाद जिहड़ी मेरी सबमरीन आ उह की आ समुंदर दे अंदर आ। समुंदर दे अंदर दा मतलब भी उह सरफेस तो नीचे आ, जिहड़ा मेरा सरफेस सीगा इत्थे तक उह वैल्यू मेरी की सीगी पॉजिटिव दे विच सीगी, ठीक है जी, क्योंकि वह सी लैवल तो उपर सी। हुण जिहड़ा सबमरीन दे अंदर चला गया तो इसका मतलब की है, जाने की सबमरीन होंदी आ पानी दे अंदर, तो पानी दे अंदर जाऊगी तो इसका मतलब की होगा वैल्यू की होएगी नैगेटिव दे विच, ठीक है जी। तो हुण देखते हैं, देखो 5000 सीगी, ठीक है जी। तो असीं हुण ये भी दसना भी डिस्टेंस की होएगा, तो देखो 1200 जिहड़ा मीटर उसका सबमरीन नैगेटिव दे विच आया। उस तो बाद की आ 5000 असी डिस्टेंस दसना, तो डिस्टेंस का मतलब की होएगा इनू की किया जाएगा माइनस एक दूसरे विचों किया जाएगा। तो हुण देखो की आ 5000 उहदा सी लैवल तो अबव सीगा, माइनस करांगे क्योंकि असी वैल्यू दिखनी आ भी उहदे विच डिफरेंस किन्ना वा। दैन 1200 वह माइनस च आएगी क्योंकि सबमरीन की आ समुंदर दे अंदर आ, तो जिहड़ी चीज़ अंदर होगी वह की होएगी नैगेटिव दे विच होएगी, जे अबव च हुंदी तां पॉजिटिव दे विच हुंदी, तां माइनस माइनस इहदे नाल की होएगा प्लस हो जाएगा। इह तां तुहानूं पता ही होएगा भी जेकर असी माइनस माइनस दो वैल्यूज़ होण तां माइनस माइनस की हो जांदे आ प्लस हो जांदे आ। तां इहनूं सम करना, ते सम करन तों बाद मैनूं आंसर जिहड़ा वा उह कमेंट बॉक्स दे विच करना भी भाई इहदा आंसर किन्ना आएगा, भी 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू विच वैल्यू, ठीक है। दैन उहदा आंसर करो मैनू। नैक्सट क्वेश्चन वल, जिहड़ा इन्ने की जिहड़ा अज सीगा, जाने कि असी 4 क्वेश्चन जिहड़े ने अज सॉल्व कीते ने। नैक्सट वीडियो दे विच जिहड़ा होएगा 4 तो अब जिहड़ियां वैल्यूज़ ने उहनूं असी करांगे, ठीक है। आई होप तुहानूं वीडियो पसंद आई होगी, जेकर पसंद आई तां इहनूं लाइक करो, शेयर करो, ते वध तों वध मेरे यूट्यूब चैनल दे नाल जुड़न की कोशिश करो, ते इसे तरीके नाल अट्रैक्टिव ते इंट्रस्टिंग वीडियो जिहड़ियां ने उह बणदियां रहणगियां। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर माई सैशन।